किसी गाड़ी लगा दिए ये मैं गाय हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज जीवन। एंड गाइस, अभी मैं हूँ अपने ननिहाल में, पुनीगांव बरसायत, जो कि थल के पास में है। और आज यहाँ पे अपने एक भाई की शादी, तो अपना एक फ्रेंड है गिरीश बसेड़ा, तो उसकी शादी में हम लोग आए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे एक नौला है, तो नौले में हम लोग नहाने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं नौला, जो कि पहाड़ों की शान मानी जाती है। पुराने टाइम पर जो पानी का मेन स्रोत होता था नौला, वहाँ पर हम लोग अभी नहाने के लिए आए हुए हैं। और फिर उसके बाद अभी शादी में हम लोग जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में हम आपको शादी का जो व्यू है, पहाड़ की जो शादी होती है उसका व्यू दिखाते हैं। और फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं, नीचे यहाँ पे फसल जो पहाड़ों में रुपाई लगती है उसके लिए यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है। तो चलिए आपको नौले का व्यू दिखाते हैं और फिर उसके बाद शादी में लेके चलेंगे, वहाँ पर अभी तैयारी चल रही है शादी की। तो भाई, अभी हम लोग बाइक से यहाँ पर आए हुए थे। ये जो नौला है गिरीश भाई के घर से लगभग 500 मीटर आगे है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई लोग अभी रेडी हो रहे हैं। अरे दोस्तों, नौले का मजा ले रहे हैं हम लोग, सुबह सुबह नहाने आए इधर। इस नौले की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन के अंदर से ये पानी आता है। और अभी इसकी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो गई है, क्योंकि आजकल तो सभी लोगों के घरों में पानी की सप्लाई है। पहले टाइम पर लोगों के घरों में पानी नहीं होता था, तो ऐसे में सारे गाँव के लोग इसी नौले पर डिपेंड होते थे पानी के लिए, और इसका मेंटेनेंस भी सही तरीके से होता था। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं जो खेत हैं, इसमें अभी रोपाई लगाने की तैयारी चल रही है। रोपाई के द्वारा यहाँ पे धान की फसल उगाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते गिरीश भाई के घर की ओर, वहाँ पे अभी शादी की तैयारियाँ चल रही है। और ये आप देख रहे हैं, जो भी गेस्ट आए हुए हैं शादी में, सभी ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की हुई है, क्योंकि बस यहीं तक रोड है और इसके बाद थोड़ा सा पैदल रास्ता है आगे तक। ये आप देख रहे हैं, अभी अच्छी खासी धूप खिल चुकी है। चलिए आपको गाँव का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाँव है, छोटा सा है बट लोकेशन बहुत ही प्यारी है। तो भाई, ये देखिए सामने वाले घर पे शादी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे जहाँ कल रुके हुए थे। यहाँ पे रेडी होके फिर निकलेंगे शादी की ओर। आ जाओ रे। तो यहाँ पे हो रहा है डांस, और इधर अभी हमारे बर्जू रेडी हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, एक्चुअली रेडी हो चुके हैं सभी लोग, और अभी फिलहाल फोटोशूट चल रहा है। Thank you.
आप देख रहे हैं अभी दूल्हे राजा की गाड़ी सज चुकी है यहाँ पे। सो चलिए अभी, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कंजेस्टेड है और एक दो गाड़ियाँ और आनी है, तो हम लोग अभी आगे निकलते हैं, आगे आपको मिलेंगे। तो भाई अभी हम लोग थल के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं, कुछ बराती पीछे से आ रहे हैं तो उनका वेट कर रहे हैं, फिर साथ में आगे निकलेंगे। तो जब तक का सभी लोग पहुँचते हैं तब तक आपको दूल्हे राजा से मिलाते हैं। तो ये है हमारे आज के बरजी गिरीश भाई। सो चलिए दोस्तों अब चलते हैं और आपको मिलते हैं सीधे दुल्हन के घर पे। गरीला,